गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वसीम, डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूएलजे इंग्लिश क्लासेस फॉर रीडिंग एंड कंपटीटिव. वेलकम यू ऑल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. इट्स डे 17, इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक मॉडल शुड बाय वसीम सर मी डब्ल्यूएलजे फॉर रीडिंग एंड कंपटीटिव इंग्लिश क्लास. लेट्स लर्न शुड. सब्सक्राइब बट बिफोर टीचिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब माय इंग्लिश एजुकेशन WJ YouTube channel and press bell icon so that you can get proper notification. Now let's start model. Today we will discuss about should. Should is commonly and highly used model. In Hindi meaning chahiye. It is frequently used in the English language. Should, the first use is advice. You should go for morning walk. Aapko morning walk pe jana chahiye. It's implement for everybody. Especially those who are 25 plus. She should tuck her tummy. उसे अपना पेट का चर्बी कम करना चाहिए. टमी मतलब पेट, ये जो पेट निकल जाता है. टमी मने टक मतलब कम करना. तो उसे अपने पेट की चर्बी कम करनी चाहिए. यू शुड ज्वाइन WLJ फॉर इंग्लिश. आपको इंग्लिश के लिए WLJ ज्वाइन करना चाहिए. WLJ इज रेनाउंड इंग्लिश स्टूडेंट औरंगाबाद. सो यू शुड ज्वाइन WLJ फॉर इंग्लिश इन एडवाइस. ड्यूटी, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता के आज्ञा की पालन करनी चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. हमें अपने टीचर की इज्जत करनी चाहिए. इन स्पोकन वी यूज शुड, बट इन रिटन वी यूज आउट टू. फॉर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आउट टू इज मोर यूजेबल इन कंपेरिजन टू शुड. थर्ड, ऑब्लिगेशन. ये हमारी बाध्यताएं हैं जो हम मानने के लिए मजबूर है, बाध्य है. वी शुड पे इनकम टैक्स इफ अवर इनकम इज मोर देन परमिसेबल स्लैब. हमें इनकम टैक्स पे करना चाहिए अगर हमारा इनकम टैक्स का जो स्लैब से ज्यादा, स्लैब जो अभी है 2.5 से लेकर के 3 लाख, बीच में ऐसा भी बात हुआ है कि 5 लाख तक होगा, उस दायरे में अगर हम आते हैं उससे कम है तो हमको इनकम टैक्स पे नहीं करना है. लेकिन उससे ज्यादा अगर हमारा पर एनम इनकम है तो वी शुड पे इनकम टैक्स. यू शुड हैव ए पासपोर्ट एंड ए वीजा इफ यू विश टू गो एब्रोड. अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, एब्रोड मतलब विदेश, तो आपके पास एक पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए. इस तरह के सेंटेंस के लिए हम बाध्य है. वी शुड नॉट वैंडलाइज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. हमें सार्वजनिक संपत्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए. चौथा है पॉसिबिलिटी. शुड से पॉसिबिलिटी भी बहुत होती है. देयर शुड बी समवेयर अराउंड दिस प्लेस. उन लोगों को इसी जगह के कहीं आसपास होना चाहिए. शी शुड बी होम नाउ. उसे अभी घर पे होना चाहिए. बिकॉज इट्स ए लॉकडाउन सो शी शुड बी एट होम. उसे भी घर पे होना चाहिए. रिक्वेस्ट, शुड से रिक्वेस्ट नहीं बहुत होता है. आई शुड लाइक यू टू फूड द बिल. फूड द बिल मीन्स पे द बिल. दिस इज ए फ्रेज. मैं चाहूंगा कि बिल का भुगतान आप करो. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. आई शुड लाइक टू हैव ए कप्पा. मैं एक कप चाय लेना चाहूंगा. मैं अपने लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. कप्पा मीन्स ए कप ऑफ टी. सरप्राइज, शुड का एक यूनिक यूज है सरप्राइज, जिसमें यहाँ पे शुड का मीनिंग चेंज हो जाता है. आई कांट बिलीव दैट यू शुड बी इन्वॉल्व इन दिस केस. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप इस केस में शामिल होंगे. इट इज अनबिलीवेबल दैट आई शुड फाइंड यू इन सच ए कंडीशन. ये अविश्वसनीय है. अनबिलीवेबल मीन्स अविश्वसनीय कि मैं आपको इस स्थिति में पा रहा हूं. किसी को स्थिति में देख करके सरप्राइज फील हो रहा है. आई कंटिन्यूअस फॉर्म. शुड को हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते हैं, तो कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो शुड बी प्लस बी फॉर. दैट इज वेरी मीनिंगफुल. वी शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश. हम लोग अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए. यू शुड बी कमिंग हियर. तुम्हें यहां आते रहना चाहिए. शी शुड बी हेल्पिंग द पुअर. उसे गरीबों की मदद करते रहना चाहिए. लाइक दैट. पास्ट फॉर्म में लेंगे तो शुड हैव प्लस V3 का यूज होगा, जो निगेटिव सेंस होगा. यू शुड नॉट हैव गॉन देयर. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यानी कि हम जाके वहां गलती कर दिए. शी शुड हैव कम हियर. उसे यहां आना चाहिए था, इसका मतलब कि वो नहीं आई. यू शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था. लाइक दैट. और लास्ट यूज है कंजंक्शनल यूज. कंजंक्शनल यूज एक्चुअली हम लेंगे तो लेस्ट एक कंजंक्शन है. लेस्ट एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा सेकंड क्लॉज में अपने साथ शुड लेता है. इसके साथ ना में कोई भी मॉडल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ शुड यूज करेंगे. एंड दैट इज हाईली आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. स्पीक स्लोली लेट समवन शुड हियर. धीरे धीरे बोल, नहीं तो कोई सुन लेगा. जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कॉमन एरर्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. वॉक फास्ट लेट वी शुड मिस द ट्रेन. तेजी से चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी. लेस्ट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो वरना. So guys, there are the 9 use of should we discussed right now. That is the largest speaking model in English grammar. Hope you can understand better. That's it into this class. Have a nice day to all.